हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ये मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया है। तो पावर पॉइंट की मेरी पहली वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि पावर पॉइंट में फाइल कैसे लेते हैं, स्लाइड्स कैसे लेके उनको कैसे एनिमेशन दिया जाता है, टाइमिंग कैसे लगाई जाती है, डुप्लीकेट स्लाइड कैसे यूज़ होती है उसके बारे में बताया था, टेक्स्ट को इफेक्ट कैसे दिए जाते हैं उसके बारे में हमारी वीडियोज़ थी। अब मैं आपको आज पावर पॉइंट में फ़ोटोज़ को लेके एक स्लाइड शो एनिमेशन विद बैकग्राउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत छोटी है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपनी मेमोरीज को बहुत अच्छे तरीके से या प्रेजेंटेशन को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चिप गाइड कंप्यूटर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेनी है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ बैकग्राउंड स्टाइल आएगा तो हमने ये यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने पिक्चर्स का स्लाइड शो बनाना है। तो उसके लिए तो लेआउट में हम इसे ब्लैंक करेंगे। देन बाकी कमांड्स मैंने कुछ क्लियर पहले से ही करवा दी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो फोटो कैसे लेते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ पे आपके पास पिक्चर की ऑप्शंस होगी। देन आपने इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे भी आपने अपने कंप्यूटर में रखी हुई हैं तो हमने फाइल फ्रॉम फाइल कर लेना है। तो जिस जगह पर आपने फ़ोटोज़ रखी हैं अपने, वहाँ से अपनी पिक्चर्स को ले लेना है। अदर सोर्सेज में पड़ी हैं तो आप वहाँ से भी ले लीजिए। तो लाइक मैंने एक ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली, देन इंसर्ट, ये बैकग्राउंड्स पे एक फ़ोटोज़ आ चुकी है। देन आपने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में सिंपल फ़ोटो है तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रांजिशन में जाएंगे और यहाँ पे एक बैकग्राउंड पे इफ़ेक्ट लगाएंगे। जैसा भी आपने इफ़ेक्ट लगाना है वहाँ पर आप ऐसे इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देन आपने अब यहाँ पे इफ़ेक्ट लगाने के बाद अब क्या करना है, इस फाइल पे क्लिक करना है। देन कंट्रोल डी, फ्रेंड्स कंट्रोल डी। देन आपके पास देखोगे सेम फोटोज़ दोबारा रिपीट हो चुकी है। अब आपने इस फोटो पे अगेन फॉर्मेट बैकग्राउंड, देन पिक्चर इंसर्ट, क्योंकि अब नेविगेशन पैन आपके पास पहले से खुल चुका है तो आपको बार बार अब फोटोज़ वो नहीं करनी है। फोटोज़ इंसर्ट करते जाइए, नया इफेक्ट, अगेन कंट्रोल डी, देन फिर इंसर्ट, ब्राउज, फोटोज चेंज, देन बार्स, अगेन कंट्रोल डी। इन स्टेप आपने याद रखना है। देन आप ऐसे कितनी सारी फ़ोटोज़ ले सकते हो जो आपकी चॉइस की हो। आपको जितनी फ़ोटोज़ लेनी है आप अलग अलग एंगल से उन फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकते हो। ये स्टेप आपने तब तक रिपीट करते रहने हैं जहाँ तक आपको फ़ोटोज़ चाहिए। कितने सारे हमारे पास इफ़ेक्ट हैं आप, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो लाइक मैं लास्ट फ़ोटो ले रहा हूँ क्योंकि अब आपको स्टेप याद हो गए हैं कि स्टेप कैसे रिपीट करने हैं। तो आप किसी भी तरह की फ़ोटोज़ लेके उसे इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे बैकग्राउंड्स के इफ़ेक्ट हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, फर्स्ट स्लाइड पे जाना है जो आपकी पहली फ़ोटो है। आपने वहाँ पे जाके एनिमेशन में जाना है, सॉरी स्लाइड शो में जाना है। हाँ, इस पे अगर आप टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने वर्ड आर्ट इंसर्ट कर लिया, लाइक मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। तो आप इसे भी एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कि आपको ये वर्ड ऐसे चाहिए, तो सभी पर भी लगा सकते हैं। अलग अलग एंगल पे जाके आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, यानी ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल आपको सिर्फ फ़ोटो ही लेनी है। आप कभी भी किसी भी वर्ड को कहीं पे भी एनिमेशन देके टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वैसे ही जैसे मैंने पीछे को एनिमेशन लगाई है आप इसे भी वैसे ही एनिमेशन दे देंगे। देन इसी तरह आप सभी पे लगा लेना। उसके बाद हमने स्लाइड शो में जाना है और रिहर्स टाइमिंग की एक ऑप्शन यूज़ करनी है। इससे हम बार बार क्लिक करने से बचेंगे। तो आप अलग अलग क्लिक करके जितनी आपको टाइमिंग लगानी है आप वैसे इस पर अलग अलग पिक्चर्स के साथ अपनी मेमोरीज को कलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग एंगल आएंगे आपके पास इफ़ेक्ट के। टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद आपने यस करना है क्योंकि ये फाइल बाद में बंद हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, सेटअप शो और लूप कंटिन्यूसली पे क्लिक करके ओके।
इससे जब आप F5 करके रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी जो फ़ाइल है वो बंद नहीं होगी। एक छोटा सा चैप्टर था और पावरपॉइंट में काफ़ी यूज़ेबल चैप्टर है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। पावरपॉइंट में अगली वीडियो में मैं कुछ नए इफ़ेक्ट और नई ट्रांजेक्शन के साथ साथ कुछ और काम की चीज़ें आपको बताऊँगा। धन्यवाद।